वेलकम बैक माई YouTube फैमिली। दोस्तों, आज मैं आपको ले चल रही हूँ कर्नाटक के औराद जगह पर, जहाँ पर अमरेश्वर टेम्पल स्थित है। जी हाँ, ये अमरेश्वर टेम्पल एक ऐसा भव्य मंदिर है जो कि बहुत ही पुराने मंदिरों में जाना जाता है। ये मंदिर औराद जगह पर स्थित है। हम आ चले हैं यहाँ पर भगवान के दर्शन करने, जो कि यहाँ का एक प्रसिद्ध देवालय है। ये रहा मंदिर के बाहर का दृश्य जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर कोई भी भक्तजन जब आते हैं तो दर्शन के लिए भगवान के घर पे नारियल और फूल चढ़ाते हैं। जी हाँ, ये रथ आप देख रहे हैं, ये यात्रा होता है यहाँ पर, जिस समय में इस रथ की यात्रा होती है। ये रहा देवालय के अंदर का दृश्य, जहाँ पर अपनी मन्नतों को मानते हुए कोई भी भक्तगण अगर यहाँ पर पूजा करवाना चाहता है तो यहाँ पर आकर अपनी मनोकामनाओं को रख के यहाँ पर पूजा अर्चना कर सकता है। चलिए दिखाती हूँ आपके यहाँ के दर्शन। देखिए, ये रहा भव्य मंदिर जो कि इस जगह में स्थित है। अंदर का ये दृश्य कुछ इस तरह का दिखता है आपको। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। इसी तरह की कई सारी वीडियोस मेरे चैनल पर देखिए और एंजॉय करें। मंदिर के भगवान के सामने नंदी जी की स्थापना की गई है। ये देख रहे हैं भगवान का मंदिर के अंदर का दृश्य। भक्तजन यहाँ पर आकर अपनी सारी मनोकामना मांगते हुए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठकर अपनी चित्त और आलोचना को भगवान की तरफ देते हुए उनकी आराधना में थोड़ी देर यहाँ पर बैठे रहते हैं। चलिए, तो फिर मैं बताती हूँ यहाँ की मंदिर के बारे में, आपको घुमाते हुए इस मंदिर की सारे कोनों में। ये देख रहे हैं आप, अगर कोई नारियल फोड़ना चाहता है, जो कि यहाँ पर अपने भगवान को अर्पित करना चाहता है, तो यहाँ पर इस तरह का एक जगह बना हुआ है। आप वहाँ पर जाकर अपने नारियल को भगवान के लिए दे सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये है भगवान जी का रथ, जिसे हम पालकी भी कहते हैं। जब कभी भी यहाँ पर यात्रा होता है, उस समय में भगवान जी को इनमें रखकर यहाँ पर प्रदर्शन के लिए लोगों में ले जाया जाता है। भगवान के इस मंदिर के पिछवाड़े पर एक जगह में एक कुटिया सी बनाई हुई है, जहाँ पर अगर कोई भी कहिए शादी हो या फिर कोई समारोह हो तो यहाँ पर आकर खाना पका सकता है। ये देख रहे हैं, ये है अंदर का दृश्य, जहाँ पर ये भव्य कुटिया बनी हुई है। यहाँ पर भक्तजन आकर खाना पका सकते हैं और यहीं पर साइड में बनी है एक बड़ा सा हॉल, जहाँ आप देख सकते हैं एक जगह पर स्टेज भी बनी हुई है। अगर यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम होता है तो यहाँ पर मंदिर के देवालय के अंदर आयोजन किया जा सकता है। ऐसे ही कई सारे वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।